वित्तमंत्री मुर्दाबाद, वित्तमंत्री मुर्दाबाद, वित्तमंत्री मुर्दाबाद। आम बजट 2022 को लेकर कांग्रेस कमेटी और एनएसयूआई यूथ के छात्रों ने आज बीजेपी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। एक साथ लामबंद होते हुए प्रयागराज शहर में स्थित गांधी जी की प्रतिमा के पास हाथों में तख्ती लेकर निर्मला सीतारमण का पुतला फूंकने का प्रयास किया और उनके द्वारा प्रियंका गांधी पर की गई टिप्पणी का जमकर विरोध किया गया। कांग्रेसियों का कहना है कि यहां की पुलिस प्रशासन हमें पुतला फूंकने से रोक दिया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी। इस बार जनता बीजेपी को इसका मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में है और चुनाव में कांग्रेस पर बटन दबाकर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। छात्रों में इस बात को लेकर खासा नाराजगी है कि बीजेपी हिटलर शाही पर उतर आई है, उन्हें पुतला फूंकने नहीं दिया जा रहा, उन्हें अपनी बात कहने नहीं दी जा रही। ये सरासर अन्याय है और हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। जैसे कि मालूम हो, कल वित्त मंत्री ने 2022 का बजट पेश किया। इस बजट में मध्यम वर्ग के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बजट में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला जिससे आम जनता को कोई फायदा मिले। प्रयागराज से नावेद खान की रिपोर्ट। किसने विरोध किया, आप लोग किस तरीके से विरोध किया, पुतला फूंकने की कोशिश की? कल जिस तरह से केंद्र सरकार की वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश के लोगों का मजाक उड़ाया है और यूपी टाइप का कर हमें नीचा दिखाने का काम किया है, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इलाहाबाद में कांग्रेस के शहर जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने, यूथ एनएसवाई के लोगों ने मिलकर निर्मला सीतारमण और भाजपा को आईना दिखाने का काम किया है। हमें गर्व है हम उत्तर प्रदेश के हैं, हमें गर्व है हम यूपी टाइप के हैं। ये धरती वीरों की धरती है, आज़ादी की हिंदुस्तान की लड़ाई की धरती है, ये धरती बुद्ध की धरती है, राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, ये धरती कबीर सूरदास और तुलसीदास की धरती है, ये आनंद भवन है जहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। आज हम लोगों ने सीतारमण का पुतला फूंकने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं ये पुलिस के लोग जो पुतला छीनने का काम किए, और यहाँ पर हम लोग गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठकर निर्मला सीतारमण के खिलाफ प्रदर्शन किया है, भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया है, और ये उत्तर प्रदेश का अपमान है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा और भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को माफी मांगनी होगी। विवेकानंद पाठक, प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। देखिए, जिस तरह से कल निर्मला सीतारमण जी ने यूपी के लोगों पर टिप्पणी की है, ये बेहद ही आपत्तिजनक है, बेहद ही अपमानजनक है। आज हम लोगों ने, पूरे कांग्रेस पार्टी ने हर जगह विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए निर्मला सीतारमण को ये चेतावनी दी है कि जिस तरह से वो यूपी का अपमान कर रही हैं, यूपी के खिलाफ टिप्पणी कर रही है, हमारी नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी कर रही है, ये बेहद ही निराशाजनक है और यूपी के लिए अपमान का विषय है। आने वाले 10 तारीख के चुनाव में यूपी की जनता उनको बटन दबाकर जवाब देने का काम करेगी। निशांत रस्तों की इलाहाबाद, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष इलाहाबाद।